कि उल्टे क्यों बैठे शंकर जी बैल पर? देखो, जब भी धर्म पर बैठो तो उल्टे चलो भाई। जैसे चल रहे और धर्म को पकड़ने के बाद अगर वैसे ही चलते रहे तो क्या खाक धर्म को पकड़ा? धर्म को पकड़कर अगर तुम बदले नहीं तो काय का धर्म पकड़ा? इसीलिए शंकर जी उल्टे बैठे हैं कि हम धर्म को पकड़कर बैठे हैं, और अगर पहले जैसे ही चलते रहे तो फिर पहले में और अब में अंतर क्या है? इसलिए आज शंकर जी उल्टे बैठे हैं, मुख परमात्मा की तरफ जा रहे, संसार की तरफ। बरात में देवता, देवता आए, देवता देवता की नारियां आई, और नारियां आई तो सब अब आपस में बातें करने लगी। हे राम, बताओ ऐसे बरलायक भी कोई कन्या है? शंकर जी को भेज देखो। साहब, जितनी रानियां, जितनी देवताओं की पत्नियां थी, सब मुस्कुराने लगी। शंकर जी बोले आओ। तो गण बोले, महाराज तुम्हारी हंसी हो रही। शंकर जी बोले, हम पर नहीं हंस रहे हैं। बोले फिर? बोले हमारे भेष पर हंस रहे हैं। देवताओं की आपातकालीन मीटिंग भाई। क्या? बोले अगर दूल्हा के साथ चलेंगे तो दूल्हा का ऐसा भेष है कि पानी के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो पर क्या किया जाए? बोले एक काम करो, दूल्हा को पीछे आने दो, अपन आगे चलो, कम से कम रसगुल्ला तो खा ले। सब देवताएं आगे, भगवान विष्णु आगे, ब्रह्मा जी आगे, इंद्र आगे, जमराज सब, शंकर जी अकेले चार गणों के साथ रह गए, नंदी भृंगी श्रृंगी और शंकर जी, नंदी भृंगी श्रृंगी और शंकर जी। शंकर जी ने अगल बगल देखा, नंदी से पूछा, ये बताओ कि और बराती कहां है? नंदी बोले, जितने हैं इतने ही हैं। तो शंकर जी बोले, और कहां गए? बोले कर गए, निकल गए। शंकर जी बोले, सब निकल क्यों गए? बोले आपके लायक कोई था ही नहीं। और शंकर जी भी अद्भुत है, शंकर जी जैसा ज्ञानी भला कौन हो सकता, धन है, इसलिए इनको देव नहीं महादेव। शंकर जी कहते हैं, ठीक निकल गए, हमारे लायक तो राम जी हैं, और दूजा इस संसार में भला है कौन? शंकर जी अकेले, शंकर जी बोले आ भाई, अब अकेले अकेले जाएंगे तो कम से कम वहां गांव में जाएंगे तो गांव में लोग क्या कहेंगे? बताओ दूल्हा अकेला आया है, कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? शंकर जी को याद आ गई कि हमारे भी रिश्तेदार हैं। नंदी बोले, कौन? शंकर जी बोले, पहले हमें उतारो, नीचे उतरे। नंदी बोले, हुजूर बताओ आपके रिश्तेदार कौन है? बोले बुलाओ। और गोस्वामी जी ने चौपाई भी लिखी, कऊ मुखे हीने बेपोल मुखे काहू, कऊ मुखे हीने बेपोल मुखे काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु, बिनु पद करे को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, श्री राम जय राम जय ने कहा, हमारे भी रिश्तेदार है कौन? भूत प्रेत पिशाच सांकनी डांकनी आ र। शंकर जी बोले, नंदी बुलाओ। नंदी ने आवाज लगाई, हर हर महादेव, भूत हो प्रेत हो पिशाच हो सांकनी हो डांकनी हो, शंकर जी हैं, बुला रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं, चले आओ। सोई भूतन ने सुनी सु जितने शमशानों के भूत अते, कोनों के मुख नैया कोऊ के छह छह मुख, कोई के हाथ नहीं काऊ के दस दस आंखें, काऊ के कान ही कान, भीड़ जुड़ गई भूतों की, एक दो नहीं लाखों भूत, एक भूत तो इतना गजब को के मुख है ही नहीं है, केवल इतनी गर्दन भर, एक भूत दूसरो खड़ो तो उसे टकरा गो, कौन है? अरे बोले हम हैं, पेट से आवाज आई, हाँ कऊ मुख ही विपुल मुख काऊ, एक ऐसा भूत जिसके चार मुख। अच्छा, हमें टेंशन नहीं है, जो चार मुख हैं
टेंशन है, पत्तलवारी है। जो पंगत परोसेंगे चिंता उनको है कि कौन से मुख में डालें, कौन से मुख से खाएंगे। कौ मुखहीन विपुल मुख काऊ। और गोस्वामी जी कहते हैं विपुल नयन को नयन विहीन, किसी के आंखें है ही नहीं है। एक भूत बड़ोगा जब को आंखें आगे नहीं पीछे हेडलाइट पीछे। पूरे दुनिया के भूत आए, भारत के भूत गए, नागपुर के भी गए, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए। अब तो पूरी दुनिया के आए तो सब जगह के आए होंगे। चाइना के भी हल्की हल्की आंखों के चिंग चांग 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 चमा चांग, चाइना के भी हल्के हल्के भूत आए, छोटे छोटे इतने इतने से बार सूप पी रहे सूप। अब ये मत कहना कि चंगवादर का नहीं पी रहे हैं, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। हमारा मन ना है कि जब भूत आए तो पूरी दुनिया के आए होंगे, और दुनिया के आए होंगे तो वेस्ट इंडीज के करिया करिया भी आए होंगे, चाइना के भी आए होंगे। अब पूरी दुनिया के भूत गए, अमेरिका के भूत आए टाई लगा के। और जब उस जमाने में भारत में धोती पहनते थे लोग, तो भारत के भूत धोती पहन कर गए। नागपुर का भूत चंगीलाल, चंगीलाल अमेरिका के भूत की टाई पे टंग गया। बोले वाह क्या गजब का झूला है, आनंद आ गया। ऐसे बराती होने चाहिए जो झूला पहनकर चले। अमेरिका के भूत को गलो फंस गो, दो चार भूतन ने मिलके निकालो। जब नागपुर के भूतन निकालो तो पूछी कहां के हो तुम, बोले नागपुर के। बोले ये क्या कर रहे थे तुम, लटक क्यों रहे थे, बोले झूला झूल रहे थे, ये देखो झूला लटका करा है। अरे बोले झूला नहीं है, दिस इज टाई, टाई है, टाई टाई टाई। नागपुर का भूत बोला ये क्या होती है, बोले ये आगे की टाई है, जो इसे पहनता वो सभ्य कहलाता, समझदार, तुम लोग नहीं पहनते हो। नागपुर का भूत घाटा खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ये कौन सी टाई है, अमेरिका का भूत बोला आगे वाली। नागपुर के भूत, भारत के भूत ने अपनी पर्दनियां उठाई और पीछे दिखाकर बोले हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं, तुम लोग फ्रंट की पहनते होगे, हम बैक टाई पहनते। बोला सीताराम तो कहू मुखे न बेपुल मुखे का विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। विपुल नयन भू नयन